नमस्कार, मैं सन्मय प्रकाश आपका स्वागत करता हूं 15 और 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स शो में। इसे द हिंदू एंड अदर न्यूज़पेपर के एनालिसिस से तैयार किया गया है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। इंडिया का सबसे आधुनिक और पावरफुल ड्रोन विमान का नाम क्या है और इसे किसने विकसित किया है? आंसर है रुस्तम 2। इसे DRDO ने बनाया है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिए हैं। इसका मतलब है कि करंट अफेयर्स की तैयारी सही चल रही है। अब करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो। तो द हिंदू सहित तमाम न्यूज़पेपर में फर्स्ट लीड न्यूज़ है कॉमनवेल्थ गेम्स की। ये 4 अप्रैल को शुरू हुआ था और 15 अप्रैल को समाप्त हो गया। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, उससे पहले इससे जुड़ा कई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते? आंसर है 66 मेडल। इनमें 26 गोल्ड हैं, 20 रजत हैं और 20 कांस्य पदक हैं, मतलब ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन होगा, 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन में भारतीय ध्वजवाहक कौन बनी? आंसर है मैरीकॉम, महिला मुक्केबाज हैं ये, इन्होंने भी गोल्ड मेडल पाया है। अगला क्वेश्चन होगा, 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में किस खेल में इंडिया ने सबसे ज़्यादा पदक पाए हैं? आंसर है निशानेबाजी। अगला क्वेश्चन होगा, अब तक हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने कितने पदक जीते हैं, मतलब कि जो 21 कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें? तो आंसर है 504 पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स में ओवरऑल 504 पदक हो गए हैं इंडिया के। भारत ओवरऑल चौथे नंबर पर है, लेकिन अगर बात करेंगे 21st कॉमनवेल्थ गेम्स की तो उसमें इंडिया तीसरे पायदान पर रहा है। तो देखिए, अब तक 21 कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुके हैं, ये 21वां था, और उसमें से 17 कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। और ओवरऑल पदक तालिका में 181 स्वर्ण, 175 रजत और 148 कांस्य पदक के साथ चौथे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया 2415 पदकों के साथ इस मामले में शीर्ष पर है, मतलब टॉप पे है अब तक हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो आखिरी दिन के लिए स्टार शटलर साइना नेहवाल ने पीवी सिंधु को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अब अगला कॉमनवेल्थ गेम्स 2012 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। अब देखिए, ये लिस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के भारतीय विजेताओं की है। ये देखिए, एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला है, बैडमिंटन में साइना नेहवाल, सिंधु, श्रीकांत, प्रणय, रुथ्विका, अश्विनी, सिक्की, सात्विक, प्रणव, चिराग को गोल्ड मेडल मिला है। बॉक्सिंग में मेरी कॉम, विकास कृष्णन, गौरव सोलंकी को गोल्ड मेडल मिला है। पैरा पावर लिफ्टिंग में किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिला है। शूटिंग में गोल्ड मेडल काफ़ी सारे आए हैं, अनीश भानवाल, मनु भास्कर, श्रेयसी सिंह, जीतू राय, संजीव राजपूत, तेजस्विनी सावंत और हिना सिद्धू को गोल्ड मेडल मिला है। स्क्वैश में गोल्ड मेडल इंडिया को नहीं मिला। टेबल टेनिस की बात करें तो वुमेन्स टीम में मणिका बत्रा, मौमा मधुरिका, पूजा सतुरता को गोल्ड मेडल मिला है। मेंस टीम में सत्यान, शरत, हरमीत, सनील, अमलराज को गोल्ड मेडल मिला है, जबकि वुमेन्स सिंगल में मणिका बत्रा को गोल्ड मेडल मिला है। वेट लिफ्टिंग की बात है, वहाँ मीराबाई चानू को, संजीत चानू, सतीश कुमार सालीलिंगम, वेंकट रागुल रागल, परम यादव को गोल्ड मेडल मिला है। रेसलिंग की बात करें तो सुशील कुमार, राहुल अवेयर, बजरंग पुनिया, सुमित और विनेश फोगट को गोल्ड मेडल मिला है। तो ये जो मैंने बताया भी, ये तो गोल्ड मेडल की लिस्ट है। इसके अलावा सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल के भी लिस्ट हैं पूरे में, आप देख रहे होंगे इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है, याद रखना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको नोट कर सकते हैं या टेलीग्राम ऐप पे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF मैं वहाँ डाल दूंगा कुछ देर में। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन होगा, पूरे देश में नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है? आंसर है 30 जिले। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने यह डेटा जारी किया है। सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहली कैटेगरी है नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की, ये पहले 35 थी जो अब घटकर 30 जिले तक रह गई है। दूसरी कैटेगरी नक्सल प्रभावित जिलों की है, पहले 10 राज्यों के 106 जिलों को नक्सल प्रभावित घोषित किया गया था, इनमें 44 जिले माओवादी प्रभावित नहीं हैं अब।
यानी अब इनमें से 44 जिलों में माओवाद बहुत कम हो गया है, खत्म सा हो गया है, लेकिन कुछ जिलों के कई हिस्से हो गए हैं जिसकी वजह से जिलों की संख्या अब बढ़कर 126 हो गई है। नक्सल प्रभावित हिंसा में करीब करीब 20% की कमी आई है। 2013 की तुलना में 2017 में नक्सली हिंसा में मौतों की संख्या में 35% की कमी आई है। 2017 में केवल 57 जिलों में ही नक्सल हिंसा से संबंधित घटनाएं हुई। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश का पहला 5G बेस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है IIT दिल्ली। इस बेस स्टेशन ने 13 अप्रैल से काम करना शुरू कर दिया है। इसी दिन 5G नेटवर्क का ट्रायल भी किया गया जो सफल। देश में 5G नेटवर्क के लिए पिछले 5 साल से IIT दिल्ली का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग काम कर रहा है। इसके प्रोफेसर हैं सैफ खान मोहम्मद। उन्होंने कहा है कि यह लैब एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे 5G बेस स्टेशन स्थापित हो जाएगा पूरी तरीके से। इस बेस स्टेशन का प्रयोग सेलुलर कंपनियां कर सकेंगी और लोगों को 5G नेटवर्क उपलब्ध करा सकेंगी। इस तरह के बेस स्टेशन अगले साल तक विभिन्न IIT केंद्रों में स्थापित किए जाएंगे। यूरोप के कई देशों में 5G नेटवर्क का ट्रायल किया गया है इस वक्त, लेकिन अभी कहीं भी 5G नेटवर्क शुरू नहीं हुआ है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 2021 तक विदेशों सहित भारत में भी 5G नेटवर्क शुरू हो जाएगा। तो क्या फ़र्क है 5G और 3G के टेक्नोलॉजी में? तो देखिए, 3G और 4G के टावर में आमतौर पर 3 एंटीना का प्रयोग होता है। इसमें 120 120 डिग्री यानी 360 डिग्री में नेटवर्क पकड़ने के लिए ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, लेकिन 5G बेस स्टेशन में कुल 128 एंटीना होते हैं। और ख़ास बात है कि जिस स्थान पर इन्हें नेटवर्क पकड़ना होता है, ये वहीं पर ऊर्जा भेजते हैं। इससे 10 गुना तक कम ऊर्जा का प्रयोग होता है और इसका प्रभाव ये होता है कि रेडिएशन भी 10 गुना कम हो जाती है। तो मतलब हम लोग जो फ़ोन यूज़ करेंगे 5G, तो उसका रेडिएशन अभी जो हम लोग 4G यूज़ कर रहे हैं उससे 10 गुना कम रेडिएशन हम लोग को मिलेगा। एक और बात कही जा रही है कि 5G नेटवर्क शुरू होने के बाद ये डेटा कैसे सस्ता हो जाएगा। तो देखिए, अभी तक किसी भी सेलुलर कंपनी ने बेस स्टेशन देश में नहीं बनाया है। सभी सेलुलर कंपनियां विदेश में बने 4G बेस स्टेशन से सुविधा लेती हैं जो महंगी मिलती हैं। तो इसके कारण आम आदमी को भी इंटरनेट टैरिफ महंगा पड़ता है। अभी जियो के आने के बाद तो सस्ता हुआ है, लेकिन ये भी एक तरह से महंगाई है। तो जब देश में 5G बेस स्टेशन चालू हो जाएगा पूरी तरीके से, तो सेलुलर कंपनियां यहीं से सुविधा दे पाएंगे जो 10 गुना सस्ती होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, महाराष्ट्र सरकार ने राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना है? आंसर है एक्टर धर्मेंद्र को। अगला क्वेश्चन होगा, महाराष्ट्र सरकार ने राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड के लिए किसे चुना है? आंसर है फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी को। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री हैं विनोद तावड़े। उन्होंने 15 अप्रैल को दोनों पुरस्कारों की घोषणा की है। तो ये जो अवार्ड है वो 55वें महाराष्ट्र स्टेट मराठी फिल्म फेस्टिवल में राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, यानी महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले को 5 लाख रुपए, जबकि स्पेशल अवार्ड जीतने वाले को। अगला क्वेश्चन होगा, यात्रियों की शिकायतों के लिए रेलवे कौन सा ऐप लॉन्च करेगा? आंसर है मदद। इसका फुल फॉर्म है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड हेल्प ड्यूरिंग ट्रेवल। तो ये जो ऐप है वो यात्री के खराब खाने, गंदे कंबल, चादर या बदबूदार टॉयलेट सहित असुरक्षा संबंधी शिकायतें भी दर्ज कर सकेगा। ऐप पर दर्ज की गई शिकायत सीधे संबंधित डिवीजन के सक्षम अधिकारी तक पहुंचेगी। इसके साथ यात्री को तत्काल शिकायत दर्ज होने और समाधान संबंधी उपयोग के बारे में संदेश मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा। तो यात्री अपने शिकायत की स्थिति को भी ट्रैक कर सकेंगे। एक और ऐप लॉन्च करने वाला है रेलवे, उसका नाम है रेल कर्मी। ये ऐप जो है वो कर्मचारियों की शिकायत के लिए है, रेलवे कर्मचारियों की शिकायत के लिए है। ये दोनों ऐप 1 मई यानी मई दिवस के दिन लॉन्च किए जाने की संभावना है रेलवे द्वारा। अगला करंट अफेयर्स सीरिया पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के हमले को लेकर है। इस मुद्दे पर दुनिया दो हिस्से में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ रूस, चीन, ईरान और सीरिया है, तो दूसरी ओर
अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरब और तुर्की है। इंडिया ने चिंता जताई है और सदी हुई प्रतिक्रिया दी है, यानी न इधर है न उधर है। भारत ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने का आह्वान किया है। भारत का कहना है कि सीरिया के मामले में इसकी पूरी जाँच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए। जांच का मतलब है वहां जो कथित रासायनिक हमला हुआ है सीरिया में। तो इस हमले में क्या हुआ, ये जो हमला हुआ था 14 अप्रैल को, तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से सीरिया पर 103 मिसाइलें, जिनमें से सीरिया ने 71 मिसाइलों को मार गिराया। सीरिया पर अमेरिका द्वारा किए गए मिसाइल हमले में किसी के मार जाने की खबर नहीं है। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात है कि सीरिया को इस तरह के हमले से बचाने के लिए रूस ने 18 महीने पहले ही योजना बना ली थी। तो इसकी वजह से अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के हमले से सीरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर पश्चिमी देशों ने सीरिया पर दोबारा हमला किया तो विश्व के मामले में बवाल मच जाएगा। मतलब उनका संदेश तीसरे विश्व युद्ध से है। तो सीरिया में पिछले 7 साल से गृह युद्ध चल रहा है और अब तक वहाँ पर करीब करीब 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। आगे है डीजल जनरेटर पर दिल्ली में प्रतिबंध की बात है। ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय तथा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय सहित विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों वाली उच्च स्तरीय समिति ने स्वच्छ ईंधन को लेकर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि डीजल जनरेटर पर पूर्व प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। और इसके साथ ही मोबाइल टावरों के लिए अब डीजल जनरेटर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, इसके लिए भी PNG कनेक्शन लेना जरूरी होगा। तो ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है उस पर फिलहाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB विचार कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। इसके बाद इसे लागू करने पर विचार होगा। आगे है SC ST एक्ट में शिकायत आने पर तत्काल FIR और तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ केरल सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। तो केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके 20 मार्च के फैसले पर पुनर्विचार की गुहार लगाई है। यहाँ इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि केंद्र सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वाला केरल पहला राज्य है। आगे है अमेरिका ने विदेशी मुद्राओं की खरीद को लेकर भारत को निगरानी सूची में डाल दिया है। ये जो सूची है वो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बाद है। मतलब इंडिया भी इस सूची में आ गया है। दरअसल इंडिया ने 2017 की पहली 3 तिमाहियों में बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्राएं खरीदी हैं। अमेरिका के राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2017 की पहली 3 तिमाहियों में विदेशी मुद्रा बहुत ज़्यादा खरीद ली। 4th तिमाही में गिरावट के बाद भी पूरे वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा खरीद करीब 56 अरब डॉलर, मतलब करीब करीब 3.65 लाख करोड़ रुपये के स्तर की रही। तो ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 2.2% के। तो ये था 15 और 16 अप्रैल का करेंट अफेयर्स। अब आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है, किस शहर में कथित रासायनिक हमला हुआ जिसकी आड़ में अमेरिका और अन्य देशों ने सीरिया पर मिसाइल बरसाए। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके अलावा आप अप्रैल 3rd वीक का रोजगार समाचार भी देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है जो गवर्नमेंट जारी करती है उसमें कौन कौन सी भर्तियां आई हुई हैं। ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। करंट अफेयर्स शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।